नमस्ते, मैं बबीता भंडारी श्रीनगर गढ़वाल से। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे जेरेनियम प्लांट, फ्लावर प्लांट के बारे में थोड़ी सी जानकारी शेयर करना चाहूँगी, जितना मैं जानती हूँ। ये देखिए, ये है मेरे पास जेरेनियम प्लांट, बहुत ही प्यारे पौधे। आज मैं इनकी देखरेख और इन्हें दूसरे प्लांट कैसे तैयार करना है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगी। देखिए, मेरे पास ये एक ही रानी कलर में, एक ही पिंक कलर में है, एक ही डार्क पिंक है, ये वाइट है और ये मैचिंग कलर है, वाइट और पिंक। पांच वैरायटी है मेरे पास। ये सदाबहार फूल हैं, लेकिन ये मार्च के महीने में, मार्च अप्रैल से ही अच्छी फ्लावरिंग करने लगते हैं। इनके हमें ये फूल, ख़राब हुए फूल निकाल देने हैं, ये देखिए। और इनके ये जो पीले पत्ते हो रखे हैं, इनको हमें पौधों में नहीं रखना चाहिए, ताकि ये आगे की जो ग्रोथ होती है ये जल्दी बढ़ सकें, इनके लिए रास्ता साफ रहे और इन्हें खाना बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। फिर गर्मियों में हमें इन्हें ज़्यादा धूप में नहीं रखना, नहीं तो ये झुलस जाएंगे। इन्हें सुबह की 2-3 घंटे की धूप ही काफ़ी होती है। अगर हम इन्हें डायरेक्ट सनलाइट में रखें तो ये पौधे मुरझा जाते हैं और झुलस भी जाते हैं, इसलिए जितना हो सके इसे सुबह की धूप ही देनी चाहिए। अगर सुबह की धूप नहीं मिल पाती तो शाम की धूप इनके लिए ठीक रहती है। जेरेनियम के प्लांट को, इनको हमें बरसात के मौसम में बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि इनमें अगर बारिश का पानी पड़ेगा तो ये पौधे ख़राब हो जाएंगे। इसलिए बारिश के टाइम पे इन्हें थोड़ा बारिश से बचा के रखें। इन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इनकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, इनकी मिट्टी गीली नहीं होनी चाहिए। मैंने आज ही इनको पानी दिया है। वैसे गर्मियों में तो जल्दी मिट्टी सूख जाती है, इसलिए गर्मियों में रोज़ ही पानी दें पौधों को, लेकिन इसका ध्यान रखें कि पानी ज़्यादा न पड़े, गीली न रहे मिट्टी। अगर मिट्टी की बात करें तो ये सारे मैंने जेरेनियम प्लांट नॉर्मल मिट्टी में लगा रखे हैं, और खाद के नाम पे मैंने केवल इन्हें गोबर की खाद दे रखी है। और ये देखो, फिर भी कितने अच्छे फ्लावर खिले हुए हैं। और इसे हम आसानी से दूसरे पॉट में भी हम ग्रो कर सकते हैं, लगा सकते हैं इसकी कटिंग लेके। कटिंग हमें एकदम से नई नहीं लेनी है, थोड़ा पुरानी कटिंग लेनी है हमने। जैसे ये है, देखिए, यहाँ से हम, इस साल भर पुरानी है, यहाँ से हम कट करके और दूसरे पॉट में लगा सकते हैं। ये देखिए, जैसे ये है टहनी, इसको हम यहाँ से कट करके हम दूसरे पॉट में लगा सकते हैं और नया पौधा हम तैयार कर सकते हैं। इसको हम कटिंग से बहुत ही ईजिली लगा सकते हैं, दूसरा पौधा तैयार कर सकते हैं। और इसकी कटिंग लगाने के 2 हफ्ते तक आप इसे छाया में रखें, और 2-2.5 हफ्ते के बाद आप इसे धूप में 2-3 घंटे की धूप इसे ज़रूर दीजिए, तभी अच्छे से ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, मेरे पास एक ये रेड कलर का भी है, लेकिन ये झड़ता बहुत जल्दी है। ये देखिए, इसकी पत्तियाँ फूल की, ये झड़ती बहुत जल्दी हैं, जबकि जैसे ये फूल हैं ये झड़ते नहीं हैं, ये आसानी से झड़ते नहीं हैं। ये भी जेरेनियम ही वैरायटी है। ये देखिए, लग रहे हैं ना कितने प्यारे। आप भी इनको अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए, बहुत ही सुंदर फ्लावर प्लांट हैं ये, आपके गार्डन की शोभा बढ़ाएंगे।
मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।